हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। तो यार फाइनली लोकी का फर्स्ट एपिसोड मैंने देख लिया और इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि भाई डीबी कूपर जिसको हम लोग एक टाइम ट्रेवलर समझ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि लोकी ही निकला। खैर जैसे कि एमसीओ वाले मजाक कर रहे वैसे मैं भी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जो इस थ्योरी को लेकर लोगों की बकचोदी चलती थी उस बकचोदी पर एक फुल स्टॉप लगेगा। खैर अगर फर्स्ट एपिसोड की बात करूँ तो यार एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमने एवेंजर एंड गेम में लोकी को देखा था टेसरक लेके फरार होते हुए। तो वो फरार होकर सीधा पहुँच जाता है मंगोलिया जहाँ पर उसे टाइम वेरियंट अथॉरिटी के लोग पकड़ लेते हैं, उसे सीधा TVA लेके चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है एजेंट मोबियस। उसके बाद क्या कुछ होता है फर्स्ट एपिसोड में वो जानने के लिए तो आपको भाई देखना ही पड़ेगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि यार जो एक्सपेक्टेशन फैंस की थी, जो एक्सपेक्टेशन उन लोगों की थी कि भाई लोकी आकर सब कुछ बदल देगा, तो यस डेफिनेटली सब कुछ बदल देगा। और जो जो फर्स्ट एपिसोड में चीज़ें बताई है वो घंटा भी बड़े से बड़ा जो तुर्रम खान होगा वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और जितने भी लोग थे जो ब्रेकडाउन ये वो फलाना कर रहे थे सबका ब्रेकडाउन पूरी तरह से गलत साबित होगा जब वो लोग फर्स्ट एपिसोड देखेंगे। और फर्स्ट एपिसोड देखकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यस लोकी शो वन ऑफ दी बेस्ट MCU का शो में से एक होने वाला है। क्योंकि फिलहाल तो बस जो जो चीज़ें बताइए वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन एज अ फैन आप लोगों के लिए कितनी अनएक्सपेक्टेड थी वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर परफॉर्मेंस की बात करो तो यार टॉम हिडलस्टन बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, साथ साथ ओवेन विल्सन जो कि हमें मोबियस के किरदार में नजर आ रहे हैं वो भी अपने हिस्से के रोल को बहुत ही गजब तरीके से निभा रहे हैं। और इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। फिलहाल तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इनके बीच की केमिस्ट्री कैसी लग रही है। फिलहाल तो इतना ही कह सकता कि जो उन लोगों ने प्रॉमिस किया था उस पर वो लोग खड़े उतरे और फर्स्ट एपिसोड देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है कि इसके आने वाले एपिसोड और भी दमदार होने वाले। एपिसोड 1 देखा है तो यहाँ पर आपको एक्शन भी देखने को मिला, थोड़ा बहुत इमोशनल सीन्स भी देखने को मिले और कॉमेडी भी देखने को मिली। यानी कि एक ऐसा एपिसोड था जहाँ पर आपको हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी वे में बैलेंस वे में देखने को मिली है। पैरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूंगा कि यस ये शो आप अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। और फर्स्ट एपिसोड को मैं रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। बस इस वीडियो में इतने, अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।